किशोर अवस्था एक नाजुक अवस्था है। बचपन का प्यार क्या होता है, कैसे नजरों से नजरें मिलती हैं और दिल धड़क उठता है, कैसे कल्पना की दुनिया में हम गोते लगाने लगते हैं, भावनाओं का ज्वार कैसे हमारे दिल में उमड़ता घुमड़ता है और कैसे एक बार दिल में कोई बस जाए तो उसकी एक मुस्कुराहट, एक हंसी पर हम जान छिड़कते हैं। आज हमारे एक कहानी किताब से एक खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही उपन्यास जो उम्र की इस नाजुकता को दर्शाता है। जैसे इस किताब का एक अंश है, उसके अनुसार, मैंने नजर घुमाकर देखा, वे दीपशिखा ही थी। मेरी तरफ देखकर उसने एक मुस्कुराहट दी। उसकी उस मुस्कान में शुक्रवार वाली उदासी कहीं खो गई थी। मुझे लगा वे दूसरी वाली पंक्ति में सबसे पीछे लगी बेंच पर बैठ जाएगी जो खाली थी, लेकिन वे सीधे बेझिझक मेरे पास रखे स्टूल पर अपने सलवार सूट की चुन्नी संभालते हुए बैठ गई। हल्की बादामी रंग की कुर्ती पर गहरे बादामी रंग के फूल बने हुए थे। उसके नीचे उसकी उसी गहरे बादामी रंग की चूड़ीदार सलवार पर पैर के पंजे के ऊपर पड़ी चूड़ियाँ या सलवटें उसके शरीर को मदहोश सा बना रही थी। उसके गोरे पैरों में पड़ी काली रंग की साधारण सैंडल भी आकर्षक लग रही थी। कंधों पर डाली गहरे बादामी रंग की चुन्नी थोड़ी थोड़ी देर में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए अपनी जगह से हट जा रही थी। उसके बाल आज सबसे ज़्यादा अच्छी तरह गुथे हुए लग रहे थे। आज उसने अपने बालों में तारनुमा काले रंग का हेयरबैंड माथे के ऊपर के बालों पर लगाया था, जो उसके काले बालों में गुम होता सा नजर आ रहा था। उसके चेहरे का निखार आज अपने चरम पर था और उन सब पर भारी थी उसके चेहरे से जा चुकी उदासी। मैंने उसे अपने पास बैठने के लिए सही तरीके से जगह दी। अपने स्टूल को थोड़ा बाईं तरफ खिसकाते हुए उसकी तरफ ध्यान से देखा और फिर अपने स्टूल पर बैठकर एक लंबी आंख भरी। सांस खींचते हुए आंख बंद कर एक छोटी सी सोच में मुस्कुराते हुए मैं कहीं खो गया। मैं दीपशिखा के मुकाबले इतना अच्छा तो नहीं दिखता था। ऐसे में मेरे दिमाग में बार बार प्रश्न उठे कि क्या वह मुझसे कहीं ना कहीं आकर्षण महसूस करती है क्या। यह उपन्यास टीनेज प्यार पर लिखा गया है। इसमें बचपन के प्यार के हर पक्ष को बड़ी ही बारीकी से उकेरा गया है। किताब की खास बात तो यह है कि इसकी पूरी कहानी अंकुर मेहर की असली जिंदगी की कहानी है। कुछ काल्पनिक पक्षों को जोड़कर इस उपन्यास की रचना की गई है, जो इस उपन्यास को दूसरे उपन्यास से बेहद अनोखा बनाती है।